हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और पूजा स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग जो 34 साइज में मैंने बनाया है। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, यह कॉटन में है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हमें ओपन करके बैक साइड से बिछा लेना है ताकि हमें मार्किंग करने में और सिलाई करने में बहुत ही आसानी हो। यह मैंने बैक साइड से बिछाया है। इसकी लेंथ हमें लेनी है, पहले हमें फैब्रिक को सीधा करना है। स्केल की सहायता से फैब्रिक को हमें सीधी लाइन ड्रॉ करके अच्छे से कट कर लेना है ताकि हम फिनिशिंग से अच्छे से मार्किंग कर सके। अच्छे से मैंने मार्किंग कर ली है, इसे हम कट करेंगे। अब इसकी लेंथ लेनी है। इसकी टोटल लेंथ है फ्रेंड्स 37 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस लेंगे, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 2 इंच प्लस लिया है, ये 39 इंच ली है। 39 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। सीधी लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ की कटिंग कर लेना है। ये मैंने 39 इंच ली है फ्रेंड्स। इसमें 1/2 इंच ऊपर शोल्डर अटैच करने में निकल जाएगा और 1.5 इंच की हमें यहाँ पे फोल्डिंग करना है। अच्छे से इसकी मार्किंग करके कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें इसे ओपन करने से पहले इसकी जो फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड की हमें यहाँ पे कटिंग करना है। फिर से हम दोनों पार्ट अच्छे से बिछाते हुए हम इसकी मार्किंग करेंगे। मैंने अच्छे से फोल्डेड साइड को कट कर लिया है, 2 पार्ट निकल चुके हैं। इसे हमें 2 फोल्ड में बिछा लेना है। दोनों को अच्छे से जमाते हुए इसे बिछा लेना है। अच्छे से मैंने ये 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ओपन साइड जस्ट सामने रखी है। दोनों साइड की हमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की साथ कटिंग करेंगे। अब इसके हमें शोल्डर कितना लेंगे, शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच में मैंने मार्किंग की है। हारमोल की साइड मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। सीधी लाइन ड्रॉ करके हम इसकी हारमोल की हम मार्किंग करेंगे। हारमोल मैंने लिया है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मैंने एक मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल की सहायता से। हारमोल और शोल्डर दोनों की अच्छे से मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। हारमोल की साइड हमें 1.5 इंच भी निशान डालना है ताकि हमें अच्छे से हारमोल की साइड गोलाई दे सके। अब हारमोल की साइड जो सीधी लाइन ड्रॉ की है उसकी हाफ करके हमें मार्किंग करना है और मार्किंग करके अच्छे से गोलाई का शेप दे लेना है। फ्रंट साइड का हारमोल कैसे कट करेंगे, हारमोल की साइड मैंने 1/2 इंच पे एक निशान लगाया है और ऊपर की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच की यहाँ पे गोलाई देंगे। बैक साइड में 1.5 इंच पे दिया है, फ्रंट साइड में 1 इंच पे देंगे। इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। परचेस्ट और फुल ब्रेस्ट किस नाप को कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो हम हारमोल की साइड जो गोलाई का शेप दिया है इसे अपर चेस्ट कहते हैं और जो मैंने नीचे 2.5 इंच पे एक मार्किंग की है वो उसे कहते हैं हमें फुल ब्रेस्ट। दोनों की मार्किंग करेंगे। इससे पहले हम कमर का नाप लगाएंगे। कमर का नाप कितना लगाएंगे, 15 इंच पे लगाएंगे। 15 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम हिप साइड का निशान ये लगाएंगे हम 21 इंच पे। 21 इंच पे हमें निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। 3 निशान मैंने फुल ब्रेस्ट, कमर और हिप साइज तीनों की मैंने मार्किंग की है। अब हमें इसकी फुल ब्रेस्ट में चेस्ट की नाप लगानी है। फुल ब्रेस्ट है 34 साइज। 34 को हमें 4 में डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच में मैंने निशान लगाया, 1/2 इंच मैंने लिया एक्स्ट्रा। अब ली है कमर। कमर कितनी है, 32। 32 साइज का 4 में हमें डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा और 1/2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा, 8.5 में निशान लगाया है। हिप साइज है 36 साइज। 36 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तीनों निशानों को अच्छे से हमें मिला लेना है।
अब है अपर ब्रस्ट जितना चेस्ट उतना ही हम नाप लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो मैंने लिया है 9 इंच मैंने टोटल लिया है, उसका हमें 1 इंच कम करना है। 8 इंच में निशान लगा के हमें एक सीधी लाइन नहीं खींचना है, इस तिरछी लाइन खींच के अच्छे से मार्किंग कर लेना है। अब हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, आप चाहे तो फुल मार्जिन 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच पे ही निशान लगाया है। अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें मार्किंग कर लेना है। ये हम इसकी मार्किंग कर चुके हैं, अपर ब्रस्ट, फुल चेस्ट और कमर और हिप साइज। अब इसकी नेक हमें बुकरम पे बनाना है। 2.5 इंच पे हम इसकी नेक की विड्थ कट करेंगे, 2.5 इंच पे हमें मार्किंग करेंगे। इससे पहले हम बुकरम पे मार्किंग करेंगे, बाद में हम इस फेब्रिक पे अटैच करेंगे। जैसे मार्किंग हो चुकी है, इसके शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने से पहले फ्रेंड्स हम दोनों पार्ट में शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, फ्रंट साइड का पार्ट है उसी में शोल्डर डाउन करेंगे, बैक साइड का हमें ओपन रखना है। मैंने ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अच्छे से मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी बॉटम को कैसे हम फोल्ड करने के लिए कितनी मार्किंग लगाएंगे, टोटल हमें पहले 1.5 इंच भी मार्किंग करनी है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से लग चुका है। 1.5 इंच में मैंने निशान लगाया है और इसकी जो हमें फोल्ड करना है कितना करेंगे, जितनी हिप साइज की मार्किंग की है मैंने उतनी हमें यहाँ पे लेना है। टोटल इसकी जो चौड़ाई है बॉटम की, इसी तरह से हमें लेकर अच्छे से छोटे छोटे कट डाल देने हैं ताकि हमें इसकी सिलाई करें तो हमें आसानी हो। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है हमें। अच्छे से मार्किंग हो चुकी है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम के साइड से। अब इसकी हम करेंगे कटिंग, बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग करना है हमें। अब इसकी हम बैक साइड की जो हारमोल है उसे पहले कट करेंगे, फ्रंट साइड को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे जो मैंने 1.5 इंच में निशान लगा के गोलाई का शेप दिया है उसे ही हमें पहले कट करेंगे। दोनों पार्ट में से मैंने पहले उसमें दोनों पार्ट को सेम ही कट किया है, बाद में हम फ्रंट साइड के हारमोल को हम बाद में कट करेंगे। इसी तरह से जो मार्किंग की हुई है उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे कट डाल देने। अब इसकी जो हारमोल साइड में मैंने 1 इंच की गोलाई दी थी उसे हम कट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है इसे कट करने के लिए कि दोनों पार्ट सेम साथ कट हो सके और इसका फ्रंट साइड हमें बाद में कट कर अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेना है हमें। ये मैंने दोनों पार्ट बहुत ही आसान तरीके से कट किया है। अब इसकी हम करेंगे स्लीव की कटिंग। दोनों पार्ट मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब जो फ्रंट साइड का पार्ट है जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है उसे पहले हमें अच्छे से बिछा लेना है ताकि दूसरी साइड भी इसी मार्किंग को हमें अच्छे से डाल सके, तो ताकि सिलाई करने में हमें बहुत आसानी हो। अच्छे से हमें इसी तरह से मार्किंग करके दोनों साइडों में भी अच्छे से निशान लगा के। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो अपडेट फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये मैंने दोनों पार्ट सिंपल तरीके से कट किया है। अब हम करेंगे इसकी स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब स्लीव के लिए मैंने ये फेब्रिक लिया है। ये जो बैक साइड है वो मैंने अच्छे से बिछा लिया है। स्लीव के लिए फैब्रिक निकालेंगे, इसे 4 फोल्ड में हमें बिछा लेना है। ये लेंथ में हमें स्लीव बनानी है इसलिए हमें इसे अच्छे से बिछा लेना है। अब इसकी लेंथ देखनी है और विड्थ देखनी है। विड्थ कितनी लेंगे फ्रेंड्स, हम जितना चेस्ट है उसका 1/4 भाग इसमें लेंगे, 8.5 इंच ही लेंगे क्योंकि 34 इंच चेस्ट भाग है, चेस्ट है इसका 1/4 भाग लेंगे। और लेंथ कितनी बनाएंगे, लेंथ हम बनाएंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा। 11 इंच में निशान लगा लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। देख सकते हैं ऊपर की साइड से मैंने 3 इंच डाउन किया है और 1.5 इंच में निशान लगाया है और जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ पे 1 इंच में निशान लगाया है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है। इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ करके गोलाई का शेप देना है। इसी तरह से गोलाई का मैंने शेप दे लिया है। अब इसकी बॉटम कितनी है, बॉटम है इसकी 10 इंच और 1.5 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा।
अच्छे से निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल की सहायता से, और इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से सिंपल वे में हम कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो गहराई वाला पार्ट होता है वो कैसे कट करेंगे, किसी भी साइड हम 1.5 इंच में निशान लगा लेंगे और जो ऊपर का पार्ट है उसे रखकर जो गहराई में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है उसे हमें यहाँ से हटा लेंगे, ताकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी गहराई दे सके। इस तरह से गहराई देंगे और ऊपर एक छोटा सा कट डालेंगे। स्लीव की सिंपल तरीके से कटिंग हो चुकी है। नेक बनाने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज किया है, आप चाहे तो बुकरम से भी कर सकते हैं। दो पार्ट लिया है, जो पेपर पेस्टिंग का लिया है, फ्रंट साइड हमें लेना है। फ्रंट साइड में हम फ्रंट नेक तैयार करेंगे, इसे हमें ओपन कर लेना है अच्छे से, और छोटा सा कट मैंने मेन सेंटर में अच्छे से लगा रखा है, ताकि हम अच्छे से सिंपल तरीके से फ्रंट साइड का पार्ट कंप्लीट कर सके। मैंने ली है दो पेपर पेस्टिंग, इसकी अलग अलग नाप है। एक मैंने 8.5 इंच पे ली है और एक ली है मैंने 7.5 इंच पे, और ये बैक पार्ट है। कि जो विड्थ है, विड्थ कितना लेंगे, विड्थ हम 2.5 इंच पे लेंगे और इसकी लेंथ 7 इंच बनाएंगे। टोटल हमें बैक साइड के पार्ट की लेंथ बनाना है 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है अच्छे से, और 2.5 इंच पे ही नाप लगाना है, और अच्छे से सीधी लाइन ड्रॉ करके हमें स्केल की सहायता से यहाँ पे 1 इंच की यहाँ पे मैंने गोलाई दी है। इस तरह से हमें गोलाई का शेप दे लेना है। आप जैसा नेक बनाना पसंद करते हो वैसा बना सकते हो। मैंने गोल गलाई इसमें बनाया है, तो मैंने गोल गलाई की शेप इसमें दी है, और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इसकी नाप 7.5 इंच लेंथ में ली है और विड्थ में भी मैंने 7.5 ही ली है। दोनों की विड्थ सेम ली है और लेंथ में थोड़ा 1 इंच का फर्क है, इसे हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसमें हमें नेक की मार्किंग करना है। जितना बैक साइड में मैंने 2.5 इंच पे लगाया है मार्क, उतना ही हमें फ्रंट साइड में लगाना है। बस इसकी लेंथ में चेंज है, लेंथ हमें टोटल बनानी है इसकी 6 इंच, तो मैंने लिया है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है। मैंने 1 इंच की यहाँ पे गोलाई का शेप दिया है। अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए इसकी हमें मार्किंग कर लेना है। ये दोनों नेक की हमें फिनिशिंग से कटिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग से मैंने फ्रंट साइड का नेक कट किया है। अब बैक साइड का भी मैंने इसी तरह से कट किया है। फेब्रिक लिया है, इस पर हमें पेपर पेस्टिंग को अटैच करेंगे। पहले हमें इसकी कर लेना है मार्किंग, 2.5 इंच पे करना है और छोटा सा कट डाल देना है, ताकि हमें इसे अटैच करे तो आसानी हो, आयरन करे तो भी आसानी हो। बहुत ही फिनिशिंग से 2.5 इंच पे कट लगाया है, एक मेन सेंटर में कट लगाया है, और अच्छे से हमें दोनों पार्ट में सेम ही इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है, ताकि दोनों नेक को हम फिनिशिंग से अटैच कर सके। अब पेपर पेस्टिंग का जो मैंने नेक कट किया है वो इस पे अच्छे से हमें रखना है और इस पे आयरन करना है। दोनों नेक को सेम ही हमें आयरन करके कंप्लीट करना है, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही फिनिशिंग से आयरन करके दोनों को अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग करना है। 1/2 इंच की हमें फैब्रिक यहाँ पे छोड़ लेना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे हमें यहाँ पे कट कर लेना है। इस तरह से सेम ही प्रोसेस हमें दूसरे नेक में भी करना है। अब हमें इसकी सिलाई कैसे करेंगे, जो मैंने 1/2 इंच छोड़ रखा है उसे हमें पेपर पेस्टिंग पे फोल्ड करना है। किनारे से किनारे को मिलाते हुए अच्छे फिनिशिंग से हमें इसे फोल्ड करना है।
इस तरह से मैंने किनारी को किनारी से मिलाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है और हमें इसके सेंटर निकाल के अच्छे से इसी तरह से यही सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले नेक में भी करना है। सिलाई लगा ली है, इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। अब इसे जो मेन फैब्रिक है उस पर कैसे अटैच करेंगे, ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट में फ्रंट नेक हम अटैच करेंगे। फिर नेक अच्छे से रखना है सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए। अब देख सकते हैं कट से कट मैंने मिला लिया है और जो सेंटर लाइन मैंने दी है अभी उसी पे रखकर अच्छे से एक सीधी सिलाई करनी है पहले, ताकि हम जो पेपर पेस्टिंग का पार्ट है इधर का इधर ना हो। पेपर पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगानी है फ्रेंड्स, इसकी किनारे में ही हमें सिलाई लगाते हुए पूरे में कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने किनारे में सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमें हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर ली है, छोटे छोटे कट डाल दिए इसमें हाफ इंच पे। बैक साइड में इसे फोल्ड करना है, इसमें सिलाई नहीं लगानी है पहले हमें, इसे पहले हमें अच्छे से बैक साइड में फोल्ड करना है। ये मैंने बैक साइड में इसे फोल्ड कर लिया है, सेम प्रोसेस हमें सेकंड वाले जो मेन नेक है उसमें भी करना है। दोनों सेम मैंने फोल्ड करके नेक तैयार किया है। अब हमें इसे नेक को ओपन करेंगे। इसके शोल्डर फिनिशिंग से बहुत ही शानदार तरीके से मैंने अटैच किया है, पेपर पेस्टिंग को पेपर पेस्टिंग से मिलाते हुए और फैब्रिक को फैब्रिक से मिलाते हुए अच्छे से अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें नेक को मिला के कंप्लीट करना है। अब इसे हमें बैक साइड में अब फोल्ड करेंगे, बहुत फिनिशिंग आएगी नेक में, आप इसी तरह से बनाएगा फ्रेंड्स। अब बैक साइड में मैंने इसे फैब्रिक को ओपन किया है और हमें जो फोल्ड किया हुआ पेपर पेस्टिंग है उसे हमें अटैच करना है एक सिलाई लगाते हुए। पूरे राउंड में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है, दोनों नेक पर सेम तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। ये मैंने राउंड में अच्छे से सिलाई लगा ली है और नेक की यहाँ कटिंग स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग तरीके से मैंने कर ली है फ्रेंड्स। दोनों नेक सिंपल वे में तैयार हो चुके हैं इस तरह से, फ्रंट और बैक बहुत फिनिशिंग आई है नेक में, अच्छे से नेक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्लीव को कैसे फोल्ड करेंगे, तैयार करेंगे स्लीव को, अच्छे से मैंने ओपन किया है, हाफ इंच ऊपर से हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हमें इसे अटैच करेंगे। अब इसकी हमें नाप देख लेनी है, कितने नाप में हमें लेंथ में बनाना है। अच्छे से मैंने नाप लगा ली है, अब इसे हमें फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हमें इसे ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें जितना फैब्रिक निकल रहा है इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है दोनों पार्ट में। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से मैंने फोल्ड कर लिया है। हमें इसे जो मेन फैब्रिक है शोल्डर में कैसे अटैच करेंगे, जहाँ गहराई वाला पार्ट है वो करेंगे हम फ्रंट साइड में और जो गहराई नहीं दी हुई है वो पार्ट करेंगे हम बैक साइड में। इसी तरह से स्लीव को मेन फैब्रिक पे इस तरह से अटैच करना है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है।
सेम सिलाई हमें और लगानी है, दो सिलाई लगा के हमें इस स्लीव को कंप्लीट करना है अटैच करके। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो तो फिनिशिंग से मैंने सेम सिलाई लगाई है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से प्रोसेस करना है। और आप देख सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग से मैंने दूसरी स्लीव भी सेम तरीके से अटैच की है। अब करेंगे हम फिटिंग। फिटिंग कैसे करेंगे, दोनों को अच्छे से बैक साइड से हमें बिछा लेना है। टोटल हमें इसकी नाप लगा लेनी है, यहाँ टोटल 10.5 इंच इसकी नाप है, 10 इंच में मैंने निशान लगाया है। अच्छे से स्केल की सहायता से टेस्ट से स्लीव की लाइन को अच्छे से मिला लेना है और सीधी सिलाई लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो फ्रेंड्स फिनिशिंग नहीं आएगी, अच्छे से फैब्रिक फिटिंग नहीं होगा। अब लगानी है सिलाई दोनों तरफ। दो सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट की है इसकी सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट की है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से मार्किंग करके स्लीव में सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसकी चाक को फोल्ड कैसे करेंगे, इससे पहले हमें यहाँ पे छोटा सा कट डाल देना है ताकि हम इसे कितनी लेंथ में कितनी विड्थ में हमें इसे फोल्ड करेंगे। एक पार्ट उठाना है और जहाँ कट का जहाँ मेन चाक का निशान लगाया हुआ है वहाँ तक हमें इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से फोल्ड करके हम हाफ हाफ इंच यहाँ फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेना है बहुत ही फिनिशिंग से। दोनों तरफ इसी तरह से सेम सिलाई लगा लेनी है हमें। और आप देख सकते हैं सीधी सिंपल तरीके से मैंने यह चाक को फोल्ड करते हुए आपके साथ शेयर की है, बहुत सिंपल, बहुत कितनी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स इसमें चाक फोल्ड करने में। दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस इसी तरह से हमें दोहरा लेना है। दोनों तरफ मैंने चाक को फिनिशिंग से फोल्ड किया है। अब इसकी बॉटम को कैसे फोल्ड करेंगे, जितना नाप है वहाँ छोड़ते हुए हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसकी यहाँ पे फोल्डिंग कर लेनी है। इस तरह से हाफ हाफ इंच मार्जिन फोल्ड करते हुए हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है सिंपल तरीके से। दोनों तरफ मैंने बहुत ही फिनिशिंग से बॉटम की सिलाई लगा ली है। और कितनी फिनिशिंग आई है इसमें ये फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग तरीके से मैंने कुर्ती की कटिंग और सिलाई बताई है। थैंक यू वॉच माय वीडियो।